अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी से बेसन के लड्डू, जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, ज़रूर ट्राई करेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है 2 कप। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेंगे, रोस्ट। इसे हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे फ्लेम, और 1/2 कप घी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है पहले, और घी मेल्ट होने तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही रखें आप फ्लेम को। ये देखें, घी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। बस अब इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट करते रहना है। ये देखें, ये अच्छे से रोस्ट हो रहा है, घी जो है वापस से रिलीज़ हो रहा है। अगर आपको घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 टेबल स्पून आप इसमें घी ऐड कर लें। बस अच्छे से आप इसे इसी तरह से रोस्ट करते रहें जब तक कि जो स्मेल होती है बेसन रोस्ट होने की वो आने लगे, तब तक आपको इसे रोस्ट करते रहना है। ठीक है, जो घी है वो रिलीज़ होते जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है ये प्रोसेस, तो आप बहुत ही पेशेंटली इसे इस तरह से रोस्ट कर लें। बस आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लें। ठीक है, ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, ये ठंडा हो चुका है। बस अब इसमें हम डालेंगे चीनी का बूरा, जो मैंने घर पर ही बनाया है। ये देखिए, इसे कहते हैं तगार। ये लड्डू में और पेड़ों में यूज़ होता है। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट वीडियोस में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, इससे जो टेस्ट है वो और एनहांस हो जाता है। बस आप लड्डू और पेड़े में टगार का ही यूज़ करें। बस यहाँ पर मैं 2 कप टगार यूज़ कर रही हूँ, 2 कप बेसन के साथ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें चीनी को बढ़ा सकते हैं। बस अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है, हाथों की हेल्प से करें, ताकि जो घी इसमें हमने डाला है वो अपने हीट से रिलीज़ होते जाए। ठीक है, हाथों की हीट से बस अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करते जाएँ। ये देखें, बहुत ही इजी होता है इस तरह से तगार घर पर बनाना। इसमें लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पाउडर शुगर ऐड करेंगे तो इतना बढ़िया इसमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, बस इसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और चलिए अब हम बनाते हैं लड्डू। इस तरह से टाइटली आप प्रेस करते हुए लड्डू का इसे शेप दे दें। ठीक है, अच्छे से टाइटली आप इसे प्रेस करें, ताकि लड्डू जो है बाद में खुल ना जाए। बस इसी तरह से आप प्रेस करने के बाद, ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बन चुके हैं। इस तरह से आप क्या करें, हल्के हाथ से इस तरह से आप रोल करते जाएं, ताकि जो है ऊपर से वो अच्छे से शाइन करे। ठीक है, देखिए स्मूथ दिखे इसका टेक्सचर। ये देखें, बहुत ही इजी होता है। 1-2 लड्डू अगर आप बना लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे बनाने में, आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। बस इस तरह से आप बनाएं। अगर इसके अंदर घी आपको कम लग रहा है तो आपको इस तरह से प्रेस करते हुए आपको इस तरह से एक बार मसल लेना है, फिर से आपको लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छे से टाइटली इसे इस तरह से प्रेस करते जाएं और लड्डू है बहुत ही ईजिली बनते जाएंगे। देखें, अगर आप चाहे तो इसके अंदर चॉप कर भी काजू ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ काजू ऊपर से ही लगा रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीड्स भी ऐड कर सकते हैं वाटरमेलन के। ये देखें, इस तरह से आपको काजू को थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके अंदर लगा लेना है लड्डू में। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखें, हमारे यहाँ पर बहुत ही यम्मी से बेसन के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर स्टोर करके 1 वीक के लिए रख सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, लड्डू तो सबको पसंद आते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको इस तरह से तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने यम्मी हैं, और अच्छी तरह से हमारे लड्डू बन चुके हैं। ये देखें, तोड़ने के बाद ये स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छे से टाइटली से प्रेस किया था। बहुत ही यम्मी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।